गुड इवनिंग टू ऑल ऑल स्टूडेंट्स। मैं कल आपको वीडियोग्राफी के माध्यम से मैंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैंने कल आपको स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर बताया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े थे और काफ़ी सारे नहीं जुड़े थे। तो अब मैं पूरे तरीके से इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। ओके, आप लोगों को सबको ये वीडियो देखनी है और अच्छे से समझनी है जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, पहली बात बता दूँ। फिर मैं शायद आप फिर हम सीधा रिवीजन स्कूल जब भी खुलेंगे हम सीधा रिवीजन करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ओनली रिवीजन नोट्स आर कंसिडर्ड ऑन दैट टाइम। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से पढ़ा देना चाहता हूँ, ठीक है? तो तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए। जो जो मैं इस वीडियो के अंदर कहता रहूँ कि इसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए, अपनी कॉपी पेन से इसको लिख लीजिएगा। जैसे भी एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको इसे परेशानी नहीं होगी आपको लिखने में कुछ भी। ओके, चलिए ओवरव्यू में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। इस ओवरव्यू के अंदर क्या है, एक स्टोरी है विलेज पालमपुर का, एक विलेज है पालमपुर जिसके अंदर ये जिससे स्टोरी ली गई है। ये एक ऐसा विलेज है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी कि ये विलेज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमी समझाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमी समझाने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए इस विलेज पालमपुर का एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ इस विलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी वो हम सब पढ़ेंगे, किस किस तरीके के ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, सब कुछ इस विलेज के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले आपके लिए इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का, आपके लिए नाइन्थ क्लास में आप इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर, इस ओवरव्यू के अंदर यही बात बताई गई है कि फार्मिंग जो है वहाँ का मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, जबकि वहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटे छोटे व्यापारी लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? डेयरी भी वहाँ पर है, जो दूध की डेयरी होती है ना वो भी वहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर की फैसिलिटी भी है, ठीक है? और बहुत सारे काम वहाँ पर, छोटे छोटे काम फार्मिंग के अलावा भी वहाँ पर करे जाते हैं। दीस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड आइटम्स। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। नेचुरल रिसोर्सेज, इन एक्टिविटीज़ को करने में हमेशा याद रखिएगा किसी भी एक्टिविटी को करने में नेचुरल रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज ही लगते हैं, ठीक है? और इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को तैयार करने में, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को तैयार करने में, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, पहले मैं इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक के बारे में बता दूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर जो पैसों से रिलेशन होता है, जिनका पैसों से रिलेशन हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जिनका पैसों से रिलेशन नहीं होता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपकी आती है फार्मिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, डेयरी, इन सब का काम पैसों से होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये सब एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गिनी जाती हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर पैसों से रिलेशन कोई भी संबंध नहीं होता, जैसे कि कोई भी आप किसी को दान दे रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? आप पढ़ाई कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक, लेकिन जब आप फीस दे रहे होते हैं तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है? समझ में आ गया? आप किसी के लिए कंट्रीब्यूट, आप गिफ्ट दे रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में अंतर, ठीक है? तो आगे पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पालमपुर जो है एक छोटा सा गांव है रायगंज के पास। रायगंज एक बड़ा गाँव है और पालमपुर एक छोटा गाँव है, तो दोनों गाँव आस पास में ही हैं। और रायगंज जो है वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, ठीक है? एक रोड कनेक्ट करती है
रायगंज को पालमपुर से, और उससे ही थोड़ी सी बराबर में एक छोटा सा शहर है शाहपुर। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, और इस रोड पर आप बहुत सारे ट्रांसपोर्ट देख पाएंगे जो इस रोड पर जो चलते हैं। बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट जानते हैं ना, बैलगाड़ी, टोंगास, बोगीज, ठीक है, ये सब यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर गुड़, ये सब गुड़ का, ये सब गुड़ और बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स भी दिख जाएंगे। इस गांव के अंदर, इस पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज रहती है, जिनमें से जो अलग अलग कास्ट की हैं, जिनमें से 80% फैमिलीज जो हैं उनके पास खुद का लैंड है और वो मेजॉरिटी में है और वो अपर कास्ट हैं, जबकि बाकी जो 1/3 मेजॉरिटी है यहाँ की वो SC है, और उनके पास घर जो है उनके कच्चे हैं घर, और मिट्टी से बने हुए हैं, स्ट्रॉ से बने हुए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, बहुत सारे हाउसेज के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिक पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, पालमपुर के पास एक हाई स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है, और एक प्राइमरी स्कूल भी है पालमपुर के पास, और यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट, एक हेल्थ, दो हेल्थ सेंटर हैं जो एक गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर है जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता है कि पालमपुर कितना डेवलप्ड है, वहाँ पर रोड सिस्टम कितना अच्छा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितनी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कितनी अच्छी है, इरिगेशन कितना अच्छा है, स्कूल्स कितने अच्छे हैं, हेल्थ सेंटर वहाँ पर कितने अच्छे हैं। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, आपने विलेज से इस फैसिलिटीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं और देखेंगे कि काफ़ी अच्छा है पालमपुर बाकी विलेजेस की तुलना में। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज, जो स्टोरी है पालमपुर की वो एक इमेजनरी विलेज की है, यानी कि ऐसा कोई विलेज है नहीं, सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स समझाने के लिए इस विलेज का एग्जांपल लिया गया है। वी विल टेक अस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, इस विलेज के अंदर अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाना, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, बनाना, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं इस गांव के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की फार्मिंग जो है यहाँ की मेन एक्टिविटी थी, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ की फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड, कुछ और अलग अलग एक्टिविटीज भी हैं यहाँ पर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सब यहाँ पर करी होती है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और किस तरीके से प्रोडक्शन कितना ज़रूरी है, कैसे होता है, ये अभी पढ़ते हैं हम अगले वाले पेज पर। चलते हैं अगले वाले पेज पर, ये आ गया अगला पेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, प्रोडक्शन का जो एम होता है किसी भी चीज़ को बनाने का एम क्या होता है, सीधी सीधी बात है, किसी भी चीज़ को बनाने का, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एम यही है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें और अपनी इच्छाओं को समाप्त कर सकें, ठीक है। जो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस, गुड और सर्विसेज हमें मिलेगी, कोई भी गुड्स माने होता है सामान और सर्विसेज माने होता है सुविधा, कोई भी सामान सुविधा हमें मिलेगी, सामान कोई भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा, सामान हमें मिलेगा, तो हमें सीधी सी बात है कि उससे हमारी वांट सेटिस्फाई होगी, जो हम सामान चाहते हैं उसे हम खरीद लेते हैं, ठीक है। कि कहाँ से बनता है, प्रोडक्शन के थ्रू ही तो बनता है सब ये सामान, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सामान कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो प्रोडक्शन के एम है हमारे सेटिस्फैक्शन को समाप्त करना, ठीक है, हमारे हमें संतुष्ट करना। किसी प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, ठीक है, लैंड जरूरी होना चाहिए, किसी भी बिना लैंड के तो कोई भी कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं होता, ना फैक्ट्री स्थापित हो सकती, ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, फिर फैक्ट्री नहीं स्थापित होगी तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, फिर प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, ना इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सेकेंड है लेबर, लेबर भी ज़रूरी है, बिना लेबर के कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, नेसेसरी टास्क करने के लिए ज़रूरी होती है लेबर, ठीक है, और एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए जब भी वो प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिजिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन के अंदर। फिजिकल कैपिटल्स को भी यहाँ पर इन्होंने दो पार्ट में बांट रखा है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल देख लेते हैं पहले। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल जो प्रोडक्शन में कई सालों तक यूज हो सकती है, वो कहलाई जाती है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम कई सालों तक कर सकते हैं। कंप्यूटर्स, टर्बाइंस, जनरेटर्स, इन सब का इस्तेमाल हम कई सालों तक कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, ये वर्किंग कैपिटल है, यानी कि ये वर्किंग कैपिटल है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड क्ले यूज्ड बाय द वोटर। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो है उसका मतलब होता है कि जो वर्क करे, जैसे कि मनी वर्किंग कैपिटल। अभी हमें कोई सामान बनाना है, मान लीजिए एक पोटर माने घड़े बनाने वाले को घड़ा बनाना है। अब उसे मट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मट्टी की आवश्यकता के पड़ने के लिए उसे पैसे लगाने पड़ेंगे, और जितने वो पैसे लगाता है उसके अगर उसके दाम जितने वो पैसे लगाता है और उसका बनाया हुआ मटका, उन्हीं पैसों से बनाया हुआ मटका ज़्यादा दाम में बिकता है, तो जब प्रोडक्शन के अंदर प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी कैश इन हैंड चाहिए, जो वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल ज़रूरी होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कि जो बनाने के लिए किसी भी चीज़ को पैसा लगने वाला होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंटरप्राइजेस। और हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ को नॉलेज और एंटरप्राइज नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी एंटरप्राइज की। ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीन तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख ही लीजिए। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये वाली हेडिंग डालिएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल की हेडिंग डालकर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, एक और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। विदाउट ह्यूमन कैपिटल आई थिंक we are not achieve economic activities. So it is necessary to be there should be a human resource. हर चीज जो भी provide कराई जाएगी production के द्वारा, वो human ही तो करेगा। तो human को भी well developed होना चाहिए, तभी production achieve कर सकता है। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन। जैसा कि मैंने बताया कि जब इन सब का ये सब एक साथ मिलेंगे तो हमें प्रोडक्शन के अंदर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी। समझ में आ गया होगा इतनी बात। ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर बाद में पढ़ते हैं।